हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को मेरा चैनल में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे में रहे। ये मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्लान लेकर आया हूँ। ये है स्पेशली 15 फीट बाय 52 फीट का है, यानी कि 15 फीट बाय 52 फीट का है। बहुत छोटा सा प्लॉट है, ये रेजिडेंशियल कम कमर्शियल भी मैंने इसको प्लान बनाया है। जैसे आजकल सब लोग बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्लॉट है और इसमें थोड़ा बहुत कमर्शियली यूज करना चाहते हैं जो लोग, वो इसमें लाभ उठा सकते हैं। स्पेशली साउथ फेसिंग का है, साउथ फेसिंग प्लॉट है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने पहले पार्किंग के लिए दिया है, 14 फीट 3 इंच बाय 10 फीट का पार्किंग दिया है। कि अगर कुछ लोग शॉप में आएंगे तो अपना गाड़ी यहाँ पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा बरंदा दिया है 3 फीट का वुड में, कि लोग यहाँ पे तो कंफर्टेबल लगे यहाँ पे। और उसके बाजू में एक छोटा सा शॉप है 10 फीट बाय 12 फीट का है। और आप देख सकते हैं इस नॉर्थ ईस्ट कोने में थोड़ा सा के डक्ट दिया है, ओपन टू स्काई रखा है, क्योंकि अगर शॉप में कोई बैठेगा तो उसको जैसे वेंटिलेशन और लाइटिंग के लिए मैंने यहाँ पर छोटा सा डक्ट रखा है। ओनली 2 फीट बाय 2.5 फीट का है आसपास। और उसके जस्ट बगल में स्टेयरकेस दिया है। और आप देख सकते हैं लास्ट में नॉर्थ ईस्ट में बा नॉर्थ के कोने में ने के रूम दिया है। इसको आप बेडरूम जैसे इस्तेमाल कर सकते हो, या कुछ भी, या गोडाउन जैसा भी लोग यूज कर सकते हैं अगर कोई रेंट पे या कुछ अपना। और यहाँ पे थोड़ा सा किचन दिया है, कभी कभी कुछ खाना पकाना या कुछ ब्रेकफास्ट करना या कुछ चाय बनाना है तो ये किचन यहाँ पर काम आएगा। और बाथरूम में एक टॉयलेट दिया है, तो यहाँ भी एक डॉक दिया है ओपन उसका है, क्योंकि यहाँ पे किचन भी है और रूम है तो टॉयलेट भी है, तो तीनों को वो कवर कर रहा है, जो कि तीनों रूम को ये अच्छा सा वेंटिलेशन और लाइटिंग दे सके। तो आप देख सकते हो इसका स्टेयरकेस मैंने दिया है, जो कि लगभग स्टैंडर्ड साइज दिया है मैंने। और रूम भी 10 फीट बाय 12.5 फीट का है, तो काफ़ी कम्फर्टेबल है। टॉयलेट भी ठीक ठाक है। और उसके ऊपर में आप देख सकते हो फर्स्ट फ्लोर में मैंने जो प्लान किया है, तो ये पार्किंग और बरंडा की जगह मैंने हॉल दिया है। हॉल व इसको आप लिविंग रूम बोल सकते हो, यहाँ पे अपना जो परिवार के लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बैठ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, तो ये एक कम्फर्टेबल जोन है। तो मैंने इसको रोड की तरफ दिया, दो खिड़की भी दिया यहाँ पर, कि लोग यहाँ बैठ के नज़ारा ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, उनको कंफर्ट रहेगा। यहाँ पे ये मैंने हॉल दिया है। और उसके बगल में आके बेडरूम दिया, वही ओपन टू स्काई जो है डॉक्ट है, वो यहाँ भी आएगा बगल में स्टेयरकेस। और यहाँ पे जो मैंने एक बेडरूम दिया था नीचे प्लान करता है, मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको किचन कम डाइनिंग कर दिया। और वो किचन जाकर मैंने पूजा रूम बना दिया, क्योंकि अगर फैमिली रहेगा तो वो पूजा पाठ भी लोग करते रहते हैं, तो लोग बिलीव करते हैं, पूजा करते हैं लोग में, तो यहाँ पे थोड़ा सा पूजा रूम दिया किचन के साइड में। और वही ओपन टू डॉक्ट ओपन टू स्काई डॉक्ट और टॉयलेट जो मैंने यहाँ पे कमन टॉयलेट दे दिया। तो ये मेरा था छोटा सा प्लान, जो 15 फीट बाय 52 फीट का विथ डायमंड दिया है मैंने। वास्तु का भी थोड़ा बहुत मैंने इसमें लिया है, वास्तु के मुताबिक बनाया है, थोड़ा बहुत पूरी तरह तो बोल नहीं सकता, बट थोड़ा बहुत वास्तु मैंने इसमें रिफर किया है, मैंने वास्तु के मुताबिक लिया है, वास्तु के मुताबिक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्लान अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। ऐसे ही मैं आगे भी और कुछ प्लान लाऊँगा आप लोगों के लिए। ये मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा अभी करंटली, एक मैं काम कर रहा हूँ इसमें अभी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो मैंने जस्ट अपना शेयर किया नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया मेरे दोस्तों के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा लगे। और सेकंड थिंग, अगर आप लोग कुछ प्लान बनाना है, कुछ भी करना है, आपके इंजीनियर और आर्किटेक्ट की ज़रूर सुने,
ये नहीं कि मैंने यहाँ देखा था आप उसको ही कॉपी कर दिए या उसको ही बना दिया। जैसे एक आइडिया के लिए मैंने दिया है कि ऐसा प्लान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा लगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आपके दिन शुभ हो।